इसके मायने हैं कि संविधान निर्माण की जब प्रक्रिया शुरू होती है, जिस वर्ष से भी शुरू होती है, जिसका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे, उस दौरान देश की क्या स्थिति थी। संविधान के लिए जब लोग बातचीत कर रहे होते हैं, उस समय देश किस तरह के चौराहे पर खड़ा था, उस चौराहे में कौन सी दिशा में जाना है। चार सड़कें हैं एक चौराहे में, कौन सी दिशा में जाना है, ये परिस्थितियां ही तो तय करती हैं। तो हम थोड़ा सा इस पृष्ठभूमि को भी समझ लें कि परिस्थितियां क्या थी। जिस समय ये शुरू होती है प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, निश्चित रूप से आप इतना जान लीजिए कि भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया भारत के स्वतंत्र होने के पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि भारत को एक तरीके से आभास हो चुका था और अंग्रेजों ने भी ऐसे फीलर्स छोड़ दिए थे कि भारत अब देर सवेर स्वतंत्र हो ही जाएगा। तो जब ये निर्माण के विषय में विचार विमर्श होता है, उस समय भारत में बड़ी अस्थिरता का वातावरण था, अविश्वास का वातावरण था। अस्थिरता और अविश्वास दोनों, ये बहुत कॉम्प्लेक्स, कहना बहुत सरल है, पर भारत जैसे विशाल काय देश में जब कम्युनिकेशन के माध्यम, संचार के माध्यम ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं, वहाँ पर अविश्वास और अस्थिरता पनपने में कुछ समय, कुछ मिनट लगता, कुछ देरी नहीं होती। 1946 के उस माहौल में जब उचित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, 1946 से उस माहौल में प्रमुख भारतीय नेता इस बात से वाकिफ थे कि भारत की जनता स्वतंत्रता तो चाहती ही है, कुछ भी हो जाए अब उसे स्वतंत्रता चाहिए। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा इसी के कुछ वर्ष पूर्व का था, करो या मरो का नारा भी इसी दौरान दिया गया था। ये सब नारे इस बात के सबूत थे कि भारतीय जनता अब येन केन प्रकारेण स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ कृतज्ञ है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, बिल्कुल उसने ठान ली है कि अब हम स्वतंत्रता लेके रहेंगे, और साथ ही अंग्रेजों को हम भारत से आजाद करा के रहेंगे, भारत से रवाना करा के रहेंगे, भारत को आजाद करा के रहेंगे। अब जब एक ओर भारतीय जनता की ये अपेक्षा थी स्वतंत्रता, 600 वर्षों की एक तरीके से गुलामी दास्ता के इतिहास के बाद जब स्वतंत्रता की इतनी ललक थी, उस समय हमारे सामने कौन सी समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी, इसे हम थोड़ा जानें। सबसे पहली समस्या सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे अर्थात कम्युनल राइट्स। सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं वो ऐसे दंगे जो धर्म आधारित हों, जिनकी जड़ धर्म पर हो, ऐसे दंगे को कहते हैं सांप्रदायिक दंगे। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सांप्रदायिक दंगे कुछ खास दो कम्युनिटी के बीच ही होते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी दो धर्मों के बीच में होने वाले दंगे सांप्रदायिक दंगे कहलाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके सामने दो ही रास्ते थे,
ये तय करने के लिए कि हमें स्वतंत्रता लेनी है या नहीं लेनी। या तो हम स्वतंत्रता लें तो विभाजन के साथ, और या हम देश को विभाजित होने से रोकें और देश के अंदर मारकाट मच जाए। देश के अंदर मारकाट मचना यानी गृह युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो जाना। दूसरे शब्दों में 1945-46 का भारत एक ऐसा भारत था जहां पर धर्म के नाम पर समाज बट गया था, धर्म के नाम पर लोग कुछ भी करने को तैयार थे, यहां तक कि गृह युद्ध की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। और गृह युद्ध अर्थात देश के अंदर के ही दो कम्युनिटीज, दो समाज के बीच में लड़ाई होना, उसे गृह युद्ध कहते हैं। अंदरूनी युद्ध, बाहरी युद्ध नहीं, ये युद्ध से कम नहीं होता बल्कि एक सामान्य युद्ध से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें जो दोनों ही पक्ष जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दोनों ही सरकार के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन दोनों में से एक गलत है, तो सरकार के सामने एक बड़ी विषम स्थिति हो जाती है। सामान्य युद्ध में तो दुश्मन ही हमारा टारगेट रहता है, लेकिन यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति को टालने के लिए ये जो भयावह स्थिति हो रही थी, धर्म के नाम पर जो मारकाट मचने की संभावना थी और मारकाट मच भी रही थी, तो ये आखिर क्यों हो रहा था इस पे हमको नहीं जाना है, ये किसी दूसरे विषय का किसी दूसरे सब्जेक्ट का विषय है। लेकिन हम इतना जान लें कि तत्कालीन भारत सांप्रदायिक दंगों की स्थिति से गुजर रहा था, गृह युद्ध की संभावना से गुजर रहा था, बड़ी खतरनाक स्थिति हो गई थी, और ऐसा लग रहा था कि भारत के अंदर का ही समाज एक दूसरे से अब लड़ बैठेगा। और अंग्रेज तो चाहते भी थे, उन्होंने तो इतने साल तक जो राज किया उसकी नीति का आधार ही था डिवाइड एंड रूल। भारतीय समाज को उन्होंने बांट दिया था दो खेमों में, और इन दो खेमों को एक दूसरे से लड़वा कर ही उन्होंने अपनी जो राजसत्ता की इच्छा थी इतने वर्षों तक भारत में शासन करने की, वो पूरी की थी। अब जब अंग्रेज विवश हो गए जाने के लिए, तो पीछे ऐसा देश छोड़ गए जहां समाज बढ़ चुका था, अंग्रेजों की शह पर ही बढ़ चुका था। तो इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस गृह युद्ध के विनाश के टालने के लिए विभाजन स्वीकार किया। तो विभाजन क्यों स्वीकार हुआ, इसकी एक भूमिका मैंने संक्षिप्त में आपको दे दी। हमने विभाजन क्यों स्वीकार किया, ऐसा दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है जहां देश स्वयं स्वेच्छा से विभाजन को, अपने देश के बंटवारे को स्वीकार कर ले। भारत का एकमात्र उदाहरण है ऐसा, लेकिन विवशता थी। कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे, उनकी सोच थी कि ये जो विभाजन है, यदि हम विभाजन करते हैं तो गृह युद्ध तो टाला ही जा सकता है, इसके अलावा विभाजन होने से जो दो विभिन्न धर्मों के बीच में जो टकराव है वो नहीं होगा, और एक धर्मावलंबी एक देश में, दूसरे धर्म के लोग दूसरे देश में रहेंगे, इस प्रकार स्वतंत्रता की प्रक्रिया में कोई खलल नहीं आएगा, विभाजन शांतिपूर्ण होगा, गृह युद्ध की संभावना टाली जा सकती है, सांप्रदायिक दंगों से बचा जा सकता है। ऐसा सोचते हुए इन्होंने, कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया। उनका ऐसा सोचना था कि पाकिस्तान की मांग यदि हम मान लेते हैं तो पाकिस्तान की मांग मान लेने से सांप्रदायिक समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी, पूर्ण रूपेण उसका समाधान निकल जाएगा। उनका मानना था कि सभी मुस्लिम पाकिस्तान चाहते हैं, उनकी ऐसी सोच थी, उनकी सोच थी कि
विभाजन शांतिपूर्ण होगा। उनकी ये सोच थी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच के संबंध जो हैं वो मैत्रीपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि ये विभाजन उनकी इच्छा अनुसार हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, उनकी सोच गलत साबित हुई। उनकी सोच का जो आधार था वह कुछ अलग था। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलती है और उसके बाद सांप्रदायिक दंगों का एक रेला चल पड़ता है। स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त के बाद होने वाले सांप्रदायिक दंगे इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि तत्कालीन नेताओं ने, तत्कालीन शासकों ने स्थिति की जो विवेचना की थी वो बड़ी गलत थी, बड़ी भारी भूल थी। यानी उनकी समझ गलत निकली। क्या समझ? कि विभाजन शांतिपूर्ण होगा, स्वतंत्रता शांतिपूर्ण मिल जाएगी। ये सोच बहुत गलत निकली। किस बात से साबित होता है? जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे उत्तर भारत में विशेषकर हुए उसने इनकी बात को नकार दिया और ये साबित कर दिया कि तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं की यह सोच बड़ी भारी भूल है। कांग्रेस जहां भारत की पक्षधर थी, मुस्लिम लीग नाम की पार्टी पाकिस्तान की पक्षधर थी। पाकिस्तान का निर्माण आखिर मुस्लिम लीग नाम की पार्टी के प्रयासों का परिणाम था। मुस्लिम लीग मुसलमान वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। मुस्लिम लीग ने इस दौरान बहुत से हिंदुओं को मारा, करोड़ों की संपत्ति लूटी, बहुत लोगों का, मां बहनों का अपमान हुआ, खून की नदियां बही। यानी एक तरीके से उस समय के आप दृश्य देखेंगे तो मानवता कराहने लगी यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके की मारकाट के दृश्य तत्कालीन समाचार पत्रों में, तत्कालीन रेडियो में और प्रत्यक्ष दर्शियों द्वारा बताए गए, वे बहुत ही खतरनाक थे। इन दृश्यों को लेकर, इन घटनाओं को लेकर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं जो वास्तव में यथार्थ तो नहीं बताती पर यथार्थ निकट भी हैं। और उन दृश्यों से साबित होता है स्पष्ट कि शांतिपूर्ण विभाजन एक मिथ था, एक मिथ्या थी। सांप्रदायिकता का जो दानव था वो शांत हो ही नहीं रहा था, दिनों दिन बढ़ते जा रहा था। गांधी जी ने विवश होकर अंततः हिंदू मुसलमानों में सद्भावना स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए और उसमें से एक था उपवास करना। गांधी जी ने दिल्ली में मुसलमानों की रक्षा के लिए कई दिन उपवास रखा और हिंदू और सिख नेताओं द्वारा मुसलमानों की रक्षा का आश्वासन दिए जाने पर ही उपवास तोड़ा। 15 अगस्त को जब झंडा फहराया जा रहा था, स्वतंत्रता की खुशियां मनाई जा रही थीं, 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब पूरा देश स्वतंत्रता की घड़ी का इंतजार कर रहा था, उसे सेलिब्रेट करने का इंतजार कर रहा था, उस समय गांधी उस मुख्य मैदान से, मुख्य जगह से नदारद थे, दिल्ली से नदारद थे, जहां पे स्वतंत्रता का हस्तांतरण, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंग्रेज सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता हस्तांतरित करना था। गांधी उस समय वहां नहीं थे, वे उपवास में थे, हिंदू मुसलमानों की एकता को लेकर उपवास में थे। उन्होंने हिंदुओं से ये वादा लिया, सिखों से ये वादा लिया कि वे मुसलमानों की रक्षा करेंगे,
और ऐसा वादा लेने के बाद ही उन्होंने उपवास तोड़ा। आखिर हिंदुओं से वादा क्यों? क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में थे, वे बहुल थे, जनसंख्या बहुल हिंदुओं की थी। तो इसलिए गांधी की सोच थी कि हिंदुओं को धैर्य रखना होगा और हिंदुओं के द्वारा यदि ये सुनिश्चित किया जाए कि मार काट उनकी तरफ से नहीं होगी, मुसलमानों को संरक्षण मिलेगा, तो ये सांप्रदायिकता की आग थोड़ी सी रुकेगी। लेकिन दुर्भाग्य से सांप्रदायिकता का जो दानव था उसने गांधी जी के इन मूल्यों को कोई महत्व नहीं दिया। गांधी जी का उपवास एक सिंबल था उनकी चिंता का, एक प्रतीक था उनकी चिंता का। इतने बड़े उत्सव, स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को छोड़कर जो व्यक्ति, जिसने स्वतंत्रता पाने के लिए इतने वर्ष स्वयं संघर्ष किया, इतने वर्ष जेल गए, वह अब स्वतंत्रता दिवस के दिन सांप्रदायिकता की लड़ाई लड़ रहा है, सांप्रदायिकता से लड़ाई लड़ रहा है। और यही सांप्रदायिकता का जो दानव है, इसने गांधी जी के जीवन मूल्यों को कोई महत्व नहीं दिया। गांधी जी की नीतियों से क्षुब्ध होकर, नाराज होकर नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति 30 जनवरी 1948 को, उस शाम को, बिरला मंदिर के प्रांगण में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर देता है। नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948 बिरला मंदिर का प्रांगण, संध्या का समय, और वहाँ पर 3 गोलियाँ चलाता है और गांधी की हत्या हो जाती है, गांधी के उसूलों की हत्या हो जाती है। गांधी जी के देश इस देहावसान से, मृत्यु से, हत्या से, देश में निश्चित रूप से बहुत अफसोस, विषाद, शौक सब हुआ। लेकिन सांप्रदायिकता का जो दानव था वो भी थोड़ा शांत हुआ। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और जिसे जनता के प्यारे बापू के नाम से भी कहते थे, उनकी बलि लेकर ही वो शांत हुआ। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि तत्कालीन भारत में जब संविधान को लेकर विचार विमर्श शुरू हुआ था एक फॉर्मल तरीके से, उस दौरान सांप्रदायिकता की आग चारों ओर फैली थी। इतनी ज़्यादा सांप्रदायिकता की आग थी कि गांधी भी उसमें झुलस गए थे। गांधी भी उस सांप्रदायिकता की आग को बुझाने की प्राथमिकता देने लगे, उपवास किया, परिणाम कुछ सार्थक नहीं हुआ। एक क्षुब्ध व्यक्ति ने उन्हें 30 जनवरी 48 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गांधी तो गए, उनके जाने के बाद सांप्रदायिक दंगों में निश्चित रूप से काफी कमी आई, लेकिन गांधी तो चले गए थे। ये सांप्रदायिक दंगों ने गांधी की भी बलि ले ली। तो ये पहली समस्या थी तत्कालीन भारत में, जब संविधान निर्माता संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए थे। संविधान निर्माण के दौरान देश में पसरी हुई समस्याओं में दूसरी बहुत अहम समस्या राजनैतिक एकीकरण की, राजनैतिक एकीकरण की, अर्थात भारत को एक रखने की। यदि हम भारत के इतिहास पर जाएं, तो भारत के नक्शे को देखते हुए आप समझ जाएंगे कि दक्षिण का क्षेत्र भारत का हिस्सा और प्राचीन काल से रहा होगा, क्योंकि दक्षिण के क्षेत्र
तीन ओर समुद्र से घिरा है और समुद्र से समुद्री रास्ते से कोई हमले विशेष नहीं हुए, कोई हमले नहीं हुए, तो दक्षिण का हिस्सा तो भारत का रहा होगा। ये उत्तर का हिस्सा है जिसकी सीमाएं बदलती रहीं। लेकिन यदि हम अखंड भारत की बात करें तो उसका आकार बहुत बड़ा है, उसका आकार बहुत बड़ा है, जिसमें अफगानिस्तान भी आता है। पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था ही, यहाँ म्यांमार को भी, बांग्लादेश तो भारत का हिस्सा था ही, और ऊपर के कुछ और क्षेत्र, ये एक विशाल अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। समय के साथ साथ जब अंग्रेजी शासन आया और अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजी संसद ने भारत की सत्ता संभाली और ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन से पदच्युत किया, तो उस समय जो भारत का नक्शा देखें, 1858 का नक्शा, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला हुआ है भारत में। इसमें उत्तर भारत में स्थितियां कुछ भिन्न थीं। कहने को तो वो अंग्रेजी शासन के वाइस रॉय और एक झंडे के अंतर्गत ये पूरे देश का शासन चला 200 वर्ष, लेकिन गहराई से देखा जाए तो ये इसके अंदर के कई क्षेत्र अपने तई स्वतंत्र थे, अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर लिए थे, अंग्रेजों को कर देना स्वीकार कर लिया था, अंग्रेजों की सेवा करना स्वीकार कर लिया था, लेकिन अपने तई ये स्वतंत्र थे। ब्रिटिश भारत का लगभग एक तिहाई भूभाग, आप देखेंगे इस नक्शे में, ऐसे नवाब और राजवाड़ों से नियंत्रित था जिन्होंने ब्रिटिश ताज की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ताज की अधीनता, ये क्या थे? कुछ राजवाड़े, कुछ ऐसे क्षेत्र जिन्होंने अधीनता स्वीकार की। इनकी संख्या 600 के आसपास थी, ऐसे रजवाड़ों की संख्या या ऐसे भू क्षेत्रों की संख्या जिसमें ये इतना बड़ा विशालकाय दिखने वाला देश बटा हुआ था। कितने, जो वास्तविक संख्या है 562 देशी रियासतें, कितनी, 562। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 562 देशी रियासतें थीं जिन्हें अंग्रेजी सत्ता ने ये स्वतंत्रता दी थी कि या तो वे भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में शामिल हों और या अपना स्वयं स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, दोनों में से अलग रहें। अंग्रेजों का तो काम ही था कि तोड़ो और शासन करो, तो जाते जाते भी वो ये खेल खेल गए और उन्होंने इन राजवाड़ों को, यहाँ के नवाबों को, यहाँ के शासकों को, राजाओं को इस बात की छूट दी कि भाई जब तक आप लोग हमारे साथ थे हम दोनों ने संबंध बखूबी निभाए, आपने हमें पूरा सहयोग दिया, उस सहयोग और संबंध को निभाने की एवज में हम आपको इस बात के निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं कि आप भारत में शामिल हों स्वतंत्रता के बाद या पाकिस्तान में शामिल हों और या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, इन दोनों में किसी में भी शामिल ना हों। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुत सारे रियासतों ने सोचा होगा कि अब हम स्वतंत्र ही रहे चले आए, ना भारत में शामिल हों ना पाकिस्तान में हों। बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होने की बात सोची, आदि आदि। कुल मिलाकर किसी भी तरह का राजनीतिक एकीकरण नहीं दिख रहा था, किसी भी तरह का भारत का नक्शा एक स्थायी नक्शा नहीं दिख रहा था।
स्वतंत्र भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री बने सरदार पटेल, जो भारत के गृह मंत्री भी थे, उनके ऊपर ये बहुत अहम जिम्मेदारी आ गई कि इन राजवाड़ों को मनाएं कि वे भारत में शामिल हों। इन 562 रियासतों से अनुरोध करें कि वे भारत में शामिल हों। उन्होंने बड़ा अथक प्रयास किया और सरदार पटेल बड़ी विलक्षण प्रतिभा के भी थे, बड़ी अद्भुत सूझबूझ थी उनमें। इसी विलक्षण प्रतिभा और सूझबूझ का परिणाम था कि उन्होंने इस समस्या का निराकरण करने में, समाधान करने में सफलता पाई और एक लोहे की तरह, ठोस लोहे की तरह, यदि उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मुझे इन रियासतों को भारत में मिलाना है, तो ठोस लोहे की तरह वे अपने इस निर्णय पर अडिग रहे और उन्होंने सुनिश्चित किया कि अपने इस लक्ष्य को पाएं। इसीलिए सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहते हैं, लौह पुरुष सरदार पटेल। लेकिन हमने एक बात कही कि आपने पाकिस्तान बनाया, आपको मुबारक, हमें उसमें कोई दखल देना नहीं चाहते। जब दांत गिर जाए, खट्टा हो जाए, तब गिर जाए, तब पीछे आओ, वहां तक हमें पीछे बुलाना है नहीं, हम बैठे ठीक है। कोई कहते हैं कि हम आखिर पाकिस्तान और हम एक जाए, एक हो जाए, मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसी बात न करो, वहां बैठे रहने दो, उससे बहुत नुकसान है, वहां बैठे रहने दो, करने दो उनको, पाकिस्तान अच्छा बनाने दो। पाकिस्तान जब स्वर्ग बन जाएगा, हमको उसकी ठंडी हवा लगेगी, ठीक है, अच्छा। बहुत दफे ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान मिटाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए हमारे दुश्मन लोगों ने कॉन्स्पिरसी की। मैं पाकिस्तान के लीडरों को बार बार कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन हो और कोई भी कॉन्स्पिरसी हो, तो पाकिस्तान में पड़ी है, बाहर कोई नहीं है, वहां भीतर पड़ी है, जितने दुश्मन है वहां सब, इधर कोई नहीं है। लेकिन यदि हमारी आंख में धूल फेंकने के लिए कोई आवे, तो हम कहते हैं कि इस तरह से हम नहीं चलने देंगे, ये काम नहीं चलेगा। हमारा हिंदुस्तान बाकी का है उसको छोड़ दो, बाकी हिंदुस्तान को उनका काम करने दो, उसमें आप दखल न दो, तो हम आपके काम में दखल नहीं देंगे। तो आप देख लीजिए, हमने फैसला किया तो जितनी चीज थी उस चीज में उदारता से हमने उनको जितना इनका हिस्सा था उससे ज्यादा भी देने के लिए हमने कोशिश की। लेकिन जब हमने उनका रुपया देने का किया, उस समय पर हमने कहा कि आपको यदि 500 करोड़ रुपया चाहिए और इतना हिस्सा हमारा चाहिए, तो हम देने के लिए, आपका हक हो न हो, ज्यादा हम देने के लिए भी तैयार है। लेकिन मैंने लिख के दिया था कि यदि ये रुपये से गोली चलानी हो कश्मीर में, तो हम इस तरह से रुपया नहीं देंगे। हाँ, तुम्हारे में ताकत हो ले जाओ, ठीक है, लेकिन हम खुशी से रुपया तो तब देंगे कि जब ये फैसला सब हो जाए, तो आपका रुपया है, हम उसमें कोई दखल नहीं देंगे। हमने आपके साथ मिलके एक फैसला किया, तो एक कंसेंट डिक्री है, ये तो कोर्ट में जाना ना पड़े, लेकिन आपस में बैठ के हमने फैसला कर दिया। तो तुम्हारी डिक्री कब बजेगी? जब ये हुक्मनामा तो तब बजेगा कि जब हमारा फैसला हो जाए। उनके सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अधिकतर देशी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई, भारत में शामिल हो गई, भारत का हिस्सा बनने को तैयार हो गई। 15 अगस्त 1947 की यदि हम बात करें, 15th अगस्त 1947, तो केवल 3 ही क्षेत्र ऐसे थे जहां पर विवाद बना रहा और बाकी सारे क्षेत्र भारत में सम्मिलित होने की सहमति दे दिए। और वे 3 क्षेत्र जो विवादित बने रहे वे थे, नक्शे में देखिए, जूनागढ़ गुजरात में, कश्मीर
जिसे उत्तर भारत भारत का मुकुट कहते हैं, और तीसरा हैदराबाद जो भारत के अंदरूनी इलाके में स्थित है। जूनागढ़ तो समुद्री तट के पास है, कश्मीर भारत के बिल्कुल उत्तर में है, लेकिन हैदराबाद देश के अंदर किसी एक जगह पर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी चारों ओर वो भारत की भूमि से घिरा हुआ है। ये समस्या भी बहुत बड़ी समस्या थी। यद्यपि सरदार पटेल ने इसे सुलझा लिया, उनके प्रयासों ने सफलता पाई, सफलता दिलाई, लेकिन जब संविधान निर्माण एक ओर चल रहा था या उसकी प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान सरदार पटेल और उनकी टीम देश को एक नक्शा देने में लगी हुई थी, देश की भौगोलिक सीमाएं बनाने में लगी हुई थी, राजवाड़ों को, राजाओं को विभिन्न शर्तों पे मनाने में लगी हुई थी। ये कैसे इन राजाओं को भारत में शामिल किया गया, इसकी भी गाथा आप पढ़ेंगे तो बड़ी रोचक है। अलग अलग राजाओं की अलग अलग इच्छाएं थी, अलग अलग अपेक्षाएं थी। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहाँ 36 किले थे, छत्तीसगढ़। यहाँ भी जो रियासतें थीं, इन रियासतों की भी अपनी अपनी मांगें थीं, अपनी अपनी अपेक्षाएं थीं, अपने अपने तरीके थे अपनी बात मनवाने के, सरदार पटेल पर दबाव डलवाने के। और किस प्रकार सरदार पटेल ने हर एक रियासत के साथ बातचीत करके सुनिश्चित किया कि वह भारत में शामिल हों, ये स्वयं में एक बड़ा रोचक इतिहास है। यहाँ वापस यदि विषय में आए तो दूसरी समस्या राजनीतिक एकीकरण की उस समय चल रही थी, यद्यपि सरदार पटेल उसे सुलझा रहे थे, सुलझाने में सफल हो गए। ये भी कुछ इसी तरह पहली समस्या जैसा है, सांप्रदायिक समस्या चल रही थी, लेकिन गांधी की हत्या के बाद समस्या कम हो गई, सांप्रदायिक दंगे शांत हो गए, पर हमने गांधी को खो दिया। यहाँ हमने सरदार पटेल का पूरा समय देश के एकीकरण में लगवा दिया, उनकी विलक्षण प्रतिभा का उपयोग दूसरे कार्यों में शायद और बेहतर तरीके से हम कर सकते थे।